हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप घूमने के लिए अपने ही देश इंडिया में किसी ऐसी यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं जहां आपको एक ही जगह पर सीनिक ब्यूटी, रिच कल्चर एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉज इस वीडियो में हम राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से 575 किलोमीटर दूर जैसलमेर सिटी को गोल्डन सिटी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ आपको ढेर सारा सोना मिल जाएगा, बल्कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जादुई शहर में जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा, जिसे देखकर सच में आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो पूरे जैसलमेर शहर में सोना ही सोना फैला हुआ है। सो दोस्तों, अगर आप पहाड़ और समुद्र देख देख कर बोर हो गए हैं तो जैसलमेर आपके लिए परफेक्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन है। मोरओवर, जैसलमेर का टूर प्लान करने की जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि आप सिर्फ 2 से 3 दिनों का टूर प्लान करके ही जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कपल हैं तो मिनिमम 10,000 से 15,000 या फिर मैक्सिमम 20,000 रुपीस में एक अच्छा सा जैसलमेर का टूर आप प्लान कर सकते हैं, जो कि फॉर श्योर आपके लिए यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलिए जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि आप राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर तक कैसे पहुंच सकते हैं। एंड वहीं इसी वीडियो के एंड में मैं आपको 2 जरूरी टिप्स भी दूंगी, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे या फिर अपने ध्यान में रखेंगे तो आप 100% जैसलमेर का बजट टूर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि जैसलमेर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसीलिए यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों का ऑप्शन है। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो ऑफ कोर्स आप एक पर्सनल टैक्सी हायर करके भी जैसलमेर पहुंच सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ हम जैसलमेर के बजट टूर की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए जैसलमेर तक पहुंचने का जो बजट ऑप्शन रहेगा वो है ट्रेन या फिर बस, जिसे आप इजीली किसी भी ऑनलाइन ट्रेवल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट जैसलमेर की। दोस्तों, जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान का एक बेहद ही गर्म इलाका है, सो इसलिए समर्स में यहाँ जाना यानी कि अपनी फजीहत कराना है। इसीलिए जैसलमेर का टूर प्लान करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है नवम्बर से मार्च महीने का। कॉज इस दौरान यहाँ मौसम काफी ज्यादा प्लीजेंट रहता है। इस समय ना आपको यहाँ ज्यादा गर्मी परेशान करेगी और ना ही सर्दी, बट स्टिल क्योंकि विंटर सीजन है, आई विल सजेस्ट कि आप अपने साथ कुछ हल्के गर्म कपड़े जरूर रखेगा क्योंकि रेगिस्तान में शाम के वक्त काफी ज्यादा टेम्परेचर नीचे आ जाता है। सो दोस्तों, ये तो हो गई बात जैसलमेर पहुंचने की। अब चलिए मैं पॉइंट पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि आखिर जैसलमेर पहुंचकर आप क्या क्या यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर का 2 से 3 दिनों का टूर बस या फिर ट्रेन से प्लान करते हैं तो ये मान लीजिए कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जैसलमेर के लिए निकलते हैं तो आप शाम तक ही जैसलमेर पहुंच पाएंगे, और अगर आप रात को जैसलमेर के लिए निकलते हैं तो आप अगले दिन सुबह ही जैसलमेर पहुंचेंगे। तो यहाँ मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि आप चाहे बस या फिर ट्रेन, जिससे भी जैसलमेर के लिए ट्रेवल करें, आप रात को ही सफर करना चूज कीजिएगा, सो दैट आप सुबह सुबह जैसलमेर पहुंचकर अपने होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होने के बाद जैसलमेर एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बजट ऑप्शन तलाश रहे हैं तो यहाँ आपके पास रेंटेड स्कूटी और रेंटेड बाइक का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों, गोल्डन सिटी जैसलमेर में आप अपने डे 1 में जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे। इस फोर्ट में घूमना आपको अपने आप में काफी रॉयल फील कराता है, साथ ही यहां से आप पूरे जैसलमेर शहर का एरियल व्यू भी देख सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट के बारे में आपको ये भी बता दूं कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत जैसलमेर फोर्ट का नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। एंड दिस इज द सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान, विच वॉज बिल्ट इन 1156 AD। तो दोस्तों, जैसलमेर फोर्ट क्योंकि काफी बड़ा है, इसीलिए आप ये मान लीजिए कि आपको इसे एक्सप्लोर करने में ऑन एन एवरेज 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। एंड देन जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप पैलेस म्यूजियम पहुंच सकते हैं, जहां आप कई हिस्टोरिक चीजें देख सकेंगे, साथ ही राजस्थानी कल्चर को भी करीब से जान पाएंगे।
तो आप ये मान लीजिए कि जैसलमेर में आप पहले दिन लंच टाइम तक जैसलमेर फोर्ट और पैलेस म्यूजियम एक्सप्लोर कर लेंगे। एंड क्योंकि लंच टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलने से पहले आप किसी ऑथेंटिक राजस्थानी रेस्टोरेंट में जाकर लंच में कुछ राजस्थानी लोकल फूड जैसे कि दाल बाटी चूरमा, गट्ठे की सब्जी इत्यादि को जरूर टेस्ट कीजिएगा। सो एक बार आपका लंच हो गया तो इसके बाद आप निकल सकते हैं राजस्थान के एक ऐसे अनोखे और रहस्यमय गांव को एक्सप्लोर करने के लिए जिसका नाम देश और दुनिया के हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के कुलधारा विलेज की, जहाँ कभी किसी नॉर्मल गांव की तरह ही अच्छी खासी आबादी रहा करती थी। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन इस गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टीरियस बात यह है कि ये कोई नहीं जानता कि आखिर गांव के सभी लोग कहाँ चले गए, या फिर ये कह सकते हैं कि कहाँ गायब हो गए। इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं। खैर, वो दिन है और आज का दिन है, स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज कई बार महसूस होती है। एनीवे, अगर आप कुलधारा विलेज की तरफ जाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कुलधारा विलेज 6 बजे तक टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है। सो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखिएगा सो दैट आप इस रहस्यमय गांव को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। आज भी इस गांव में आपको सदियों पहले बने मकान दिख जाएंगे जो कि आज खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आपका पहला दिन जैसलमेर में बीत जाएगा। एंड देन शाम को अपने होटल वापस लौटने से पहले आप यहाँ का लोकल मार्केट जरूर एक्सप्लोर करिएगा। यहाँ से आप कई खूबसूरत राजस्थानी डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट अपने लिए और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सेकेंड डे जैसलमेर की। दोस्तों, अपने जैसलमेर टूर के सेकेंड डे में आप सुबह सुबह जैसलमेर के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे जो कि आपको दुबई की डेजर्ट सफारी की याद दिलाएगा। मैं बात कर रही हूँ जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स की, जहाँ आप डेजर्ट सफारी एंड मेनी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने सेकेंड डे जैसलमेर टूर का स्टे भी सम सैंड ड्यून्स में ही रखें। यहाँ आप अपने बजट के हिसाब से इजीली 2 से 3 हजार रुपए पर नाइट पर होटल या फिर रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं सम सैंड ड्यून्स में आपको स्टे के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से सनसेट देखना तो बनता ही है। इसके अलावा यहाँ रात को भी कई कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। आफ्टर ऑल, अगर राजस्थान गए हैं और डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में एक शाम नहीं बिताई तो फिर आखिर राजस्थान क्या घूमा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2 दिनों का जैसलमेर ट्रिप प्लान करते हैं तो इजीली ये सारी जगह आप आसानी से कवर कर पाएंगे एंड आपका थर्ड डे आपका रिटर्न जर्नी डे होगा। वहीं जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस वीडियो की एंड में मैं आपको 2 जरूरी टिप्स भी दूंगी, तो चलिए आपको अब वो 2 जरूरी टिप्स दे देती हूँ। टिप नंबर 1, नेवर प्लान जैसलमेर ट्रिप इन वीकेंड्स, क्योंकि वीकेंड होने की वजह से यहाँ के होटल्स और रिजॉर्ट्स के रेट काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। Moreover, प्लीज अपना होटल या फिर जहां कहीं भी आप स्टे करने वाले हैं वो पहले ही ऑनलाइन बुक करके यहां पहुंचेगा, क्योंकि कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की है कि वो स्कैम का शिकार हुए हैं। इसके अलावा टिप नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप सम सैंड ड्यून्स में कोई एडवेंचर पैकेज बुक कर रहे हैं तो प्लीज किसी ट्रस्टेड लोकल ट्रेवल एजेंट से ही बुक करवाइएगा। अदरवाइज आप अपने बजट के हिसाब से सम सैंड ड्यून्स में जो भी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं उसके लिए ऑन द स्पॉट टिकट ले सकते हैं और उन एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार लोगों के साथ हो चुका है कि उन्होंने पैकेजेस बुक कर लिए और वहां जाकर वो ठगी का शिकार हो गए। सो प्लीज टेक केयर। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट जैसलमेर 2 डेज बजट टूर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली ही ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।